कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ओर से भारत बंद सफल रहा। दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर कर्नाटक तक भारत बंद का असर दिखा। किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी 4 घंटे का सांकेतिक बंद बुलाया था, लेकिन इसका असर सुबह 8 बजे से ही दिखने को मिला। नए कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए इटावा के किसानों ने कौलाना चौराहे पर कोटा श्योपुर मार्ग पर जाम लगाकर पुतला फूंक व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने कृषि कानून को खारिज करने की मांग की। किसानों ने कहा, मोदी सरकार किसानों की आय दो गुना करने का वादा करती है, पर इस कानून से किसानों की नहीं बल्कि केवल और केवल उद्योगपतियों की ही आय दोगुनी होगी। कृषि अध्यादेश को लेकर भारत बंद का असर कोटा में भी देखने को मिला। किसान संगठनों ने एकजुट होकर शहर में रैली निकाली। किसान नेता दूली चंद बोर्दा के नेतृत्व में घटोत्कच चौराहे से शुरू हुई यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई छावनी तक गई, जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार जिन 3 बिलों को लेकर आई है उससे किसानों को नुकसान होगा, इसीलिए तुरंत इन बिलों को वापस लें और MSP खरीद गारंटी कानून को लागू किया जाए, जिससे किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अभी चर्चा है, हम तो सिर्फ इस भारत बंद के समर्थन में रैली निकाल कर कोटा की जनता की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली को घेर करके बैठे हुए लाखों किसानों, आप अकेले नहीं हो, आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो और देश के किसानों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो। आज भारत बंद का जो अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और आगे दिल्ली जाने के लिए यहाँ से हमारे कुछ साथी चले भी गए हैं और फिर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम फिर तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको जो काले कानून है इनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। कृषि बिल के विरोध में कोटा में भी किसानों को व्यापारियों व राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। कांग्रेस की तरफ से भी किसानों को समर्थन किया गया। गुमानपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय से कोटा बंद कराने को लेकर वाहनों के साथ जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वाहनों पर सवार होकर निकले और बंद के समर्थन में रैली निकाली। खुली जीप में सवार जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, मेयर मंजू मेहरा, राजीव अग्रवाल, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित कई नेता जीप में सवार थे। कार्यकर्ताओं ने शहर में खुली दुकानों को भी बंद कराया। छुटपुट जगह बंद के दौरान कार्यकर्ता व व्यापारियों में झड़प भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो पुलिस ने समझाइश कर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। रैली के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस दल भी साथ में चल रहा था। किसानों को बर्बाद करने का जो एक कानून लाए हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं है और हम इस कानून को चालू करने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तीनों कानून मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। केंद्र सरकार अपनी हर धर्मिता छोड़कर किसानों की न्याय संगत मांगों को अविलंब पूरा करे। आज देश भर का किसान आक्रोशित है, दिल्ली की सड़कों पर है और भारत बंद इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश की जनता का समर्थन किसानों को प्राप्त है। भाई किसान जिस प्रकार पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, जिस प्रकार मोदी सरकार ने 3 विधेयक किसानों के खिलाफ और लोकतांत्रिक तरीके से तानाशाह प्रवृत्ति से जो लगाए हैं और वो उनको हटाना चाह रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है किसान का, तो किसानों के समर्थन में सारी राजनीतिक पार्टी आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है कि तीनों विधेयक वापस लाए जाएं। और उधर कृषि बिलों को निरस्त कराने की मांग को लेकर मंगलवार को भारत बंद के आह्वान के तहत कोटा में मंडी व्यापारी किसानों के समर्थन में उतर आए। व्यापारियों ने मंगलवार को एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में काम बंद रखा। मंडी अध्यक्ष आनंद राठी ने बताया है कि किसानों के समर्थन में मंडी के करीब 400 व्यापारियों ने काम बंद रखा। वहीं मंडी गेट बंद होने के कारण मध्य प्रदेश से जींस बेचने आए किसान मंडी गेट के बाहर खड़े रहे। अशोकनगर जिले के मुंगावली से धान की जींस बेचने आए किसानों का कहना है कि भारत बंद के चलते जिन्हें काफी नुकसान होगा, क्योंकि जिस ट्रक में धान की जींस लाए हैं वहां अब डबल किराया मांग रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी जींसों को उन्हें उचित दाम मिलवाने चाहिए। पिछले साल यहां धान के दाम 3500 रुपए प्रति क्विंटल थे, वहीं अब 2200 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।
कितनी परेशानी आ रही है आपको? सर परेशानी तो आएगी क्योंकि हम लोग वैसे ही एमपी से हैं और यहाँ पे धान बेचने के लिए आए हैं, परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। आज भारत बंद की वजह और हमको 24 घंटा ज्यादा बताना पड़ेगा, अगर बंद नहीं होता तो आज अन्नदाता के सम्मान में केंद्र सरकार के द्वारा पारित काले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठनों व कांग्रेस के देशव्यापी आह्वान पर किशनगंज, नाहरगढ़, रेलावन, जलवाड़ा, भंवरगढ़ आदि कस्बों को शांतिप्रिय तरीके से बंद करवाकर काले कानून के खिलाफ विरोध जताया। कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का असर बूंदी में भी रहा। बूंदी शहर सहित कस्बे में बाजार बंद रहे तथा किसानों ने रैलियां निकालकर जमकर प्रदर्शन करते हुए बिल को वापस लेने की मांग की। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का बारा में भी असर देखने को मिला। बारा में किसान आंदोलन के इस भारत बंद के तहत जिले में सभी जगह अधिकांश दुकानें बंद रहीं। इस दौरान किसान संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा शहर में वाहन रैली निकाल कर बिल वापस लेने की मांग की गई। देखो मोदी सरकार ने बिना किसानों की राय के जो अध्यादेश पास किए हैं वो किसानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। किसान आज जिस स्थिति में आक्रोश में हैं, किसानों को कहां जरूरत थी इनको ऐसे अधिकार देने का। इन्होंने बिना पूछे जो अध्यादेश लाए हैं वो किसान के लिए सीधा सीधा डेथ वारंट है। वहीं कृषि बिल के विरोध में किसानों के भारत बंद के आह्वान को सवाई माधोपुर में भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। कृषि बिल के विरोध में भारत बंद के चलते आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरी क्षेत्र में सुबह सवेरे ही बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए और बजरिया स्थित मुख्य बाजारों में पैदल मार्च निकालकर व्यापारी वर्ग से बंद का समर्थन करने की अपील की। किसानों के समर्थन में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजार पूरी तरह बंद है। इस दौरान किसानों में बाजार में पैदल मार्च निकालने के बाद अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और किसान विरोधी कृषि बिल वापस लेने की मांग की। किसानों का कहना है कि कृषि बिल के विरोध में भारत बंद का आह्वान किसानों का आंदोलन है और इसमें किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देश का किसान जब जब भी सड़कों पर उतरा है तब तब सरकारें हिली है। केंद्र सरकार को किसान विरोधी कृषि बिल जो है उसे हर हाल में वापस लेना होगा। बंद का जो आह्वान है ये आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। 1942 में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्वाचन और पृथकावास की मांग रखी थी और 80 पॉइंट बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए भारतीय संविधान में कि जो खेती करने वाला जो किसान है लेकिन उसके पास जो खेत नहीं है ये भी एक देश में समस्या होगी, इसलिए उनको पृथक निर्वाचन और पृथक आवास की शर्त रखी थी और 1942 के एक्ट में इस बात को माना भी गया। जो तीन कृषि बिल विधेयक संसद में पारित किए हैं तीनों ही विधेयक किसान हितों के खिलाफ है और इसको मद्देनजर रखते हुए आज पूरे देश का किसान सड़कों पे है। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेराबंदी कर रखी है, किसान धरने पे बैठे।